इरेगुलर पीरियड, डिलेड पीरियड, ये टर्म्स बहुत बार सुनने को मिल रहा है और हर एक व्यूअर, हर एक मेरी सब्सक्राइबर बार बार एक क्वेश्चन बार बार पूछ रही हैं कि इरेगुलर पीरियड है, डिलेड पीरियड है, तीन तीन महीने तक पीरियड नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है। मैं कुछ पॉइंट्स में बताऊंगी कि क्या एग्जैक्टली कारण क्या है, किस वजह से डिलेड पीरियड हो रहा है, किस वजह से इरेगुलर पीरियड हो रहा है और तीन तीन महीने तक पीरियड आ ही नहीं रहे हैं। बहुत गंभीर समस्या है, पहली बात तो ये समझ लीजिए, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेंगे, आप समझेंगे, सॉल्यूशन की ओर काम करेंगे, बट स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेंगे। आगे बताऊंगी कि किस वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रही है, कुछ पॉइंट्स में सारी बातें आपकी क्लियर कर दूंगी। चलिए वीडियो में बने रहिए और डिटेल में वीडियो को समझाऊंगी। वीडियो को स्किप करके प्लीज़ मत देखा करिए, पूरा वीडियो देखना अनिवार्य इसलिए हो जाता है क्योंकि आधी अधूरी जानकारी लेकर आप आगे बढ़ते हैं तो रिजल्ट आपको पूरे नहीं मिलते। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं बिना समय बर्बाद किए। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ हैं, ध्यान रख रहे हैं अपना और मेरे साथ सकारात्मक तरीके से बने रहते हैं। आज बात कर रहे हैं हम इरेगुलर पीरियड की। वैसे इस टॉपिक पे हमने कई बार चर्चा की है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कितनी भी चर्चाएं कर लें, कितने भी इसके वीडियोस बना दें, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी की ये समस्या बार बार आ ही रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इस पर और चर्चा करूँ। देखिए, डिलेड पीरियड के तीन महत्वपूर्ण कारण को आज बताती हूँ। मुझे प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि इनमें से आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। आपका सोने का समय निश्चित है? आपके सोने की जो पैटर्न है, मतलब रात में कितने बजे आप सोते हैं और दिन में कितने बजे आप उठते हैं, हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, हमारे दिमाग में हमें हमारे शरीर को बताना होता है कि इतने बजे हम सो रहे हैं और इतने बजे हम उठ रहे हैं, क्यों इसका इतना महत्व है। देखिए, बॉडी हर एक चीज़ पर रिएक्ट करती है। अगर आप रात में लेट नाइट सो रहे हैं तो भी बॉडी आपका रिएक्ट करेगी, कुछ ना कुछ आपकी सेल्स लेवल पर गड़बड़ी होना शुरू हो जाएगी। इसलिए कोशिश करिए कि अपना सोने का समय निश्चित करिए और उठने का समय बिल्कुल निश्चित कर लीजिए। ये एक बहुत बड़ा कारण है आपके डिलेड पीरियड होने का, इरेगुलर पीरियड होने का। रात रात भर हम सोने जाते हैं, आप 10 बजे भी सोने जाते हैं लेकिन मोबाइल की एक गंदी लत आपको स्क्रॉल करने से रोक ही नहीं रही पा रही है। आप स्क्रॉल करते लेटे लेटे आप स्क्रॉल कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कंटिन्यू मोबाइल चला रहे हैं। मत करिए ऐसा, आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ से बढ़कर ये सब चीज़ें नहीं हैं। आप अपनी स्वस्थ लाइफस्टाइल को जीने के लिए इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। आप सोने का समय निश्चित करिए। मैं पर्सनली आपका अपना एग्जांपल दूं तो मैं कहूँगी आप 10 बजे सो जाइए और सुबह हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त पहले, यानी कि 4 नहीं तो 5 बजे ज़रूर उठने की कोशिश कीजिए। बहुत महत्व है कि अगर आपने अपने स्लीप साइकिल को बिल्कुल अच्छे से बना लिया, आपके डिलेड पीरियड में ये बहुत इफ़ेक्ट पहुंचाने वाला है। बहुत हद तक डिलेड पीरियड आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इरेगुलर पीरियड की जो समस्या है उससे निजात आप पा जाएंगे। अब मैं बात करती हूँ दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट में बताती हूँ कि किस तरीके से आपकी अगर डाइट ठीक नहीं है और सेम टाइम पर डाइट नहीं है, मतलब आपने नाश्ता अगर आप कर रहे हैं तो कभी तो आपने 8 बजे नाश्ता कर लिया और कभी आप 10 बजे नाश्ता कर रहे हैं, कभी आप नाश्ता स्किप कर दे रहे हैं, कभी आप लंच कर ले रहे हैं और कभी आप डिनर कर ले रहे हैं, नाश्ता आपने किया ही नहीं कभी, मतलब आपको अपनी डाइट की टाइमिंग बिल्कुल फिक्स करनी होगी। मेरा विश्वास कीजिए, इरेगुलर पीरियड का ये एक बहुत बड़ा कारण है आपके तीन तीन चार चार महीने चढ़कर जो पीरियड आ रहे हैं ना, इसमें आपकी डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। आप अपने डाइट की साइकिल को बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। अगर नाश्ता आप 8 बजे करती हैं तो हार्डली 9 बजे चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि नाश्ता आपने 8 बजे आज किया, एक दिन आपने नाश्ता किया ही नहीं और लंच कर लिया, फिर डिनर कर लिया,
टाइम फिक्स करिए, बहुत महत्व है इन सब चीज़ों का। पहले टाइम पर लोग अपने खाने का बहुत ध्यान रखते थे, सूरज के अकॉर्डिंग सारे काम होते थे, सूरज जैसे उगता था वैसे हम अपना फ्रेश होकर नाश्ता करते थे, फिर लंच करते थे, और जैसे जैसे सूरज ढलता था वैसे वैसे हमारा खाने का जो पैटर्न है वो धीमा होने लग जाता था, हम खाना सूरज के ढलने के बाद नहीं खाते थे, तब हम स्वस्थ रहते थे। आप विश्वास के साथ कीजिए इन सारी चीज़ों को, अपनी सेकंड पॉइंट में अपने डाइट को बिल्कुल फिक्स बना लीजिए। नाश्ता अगर 8 बजे करना है तो हार्डली 8:30 हो जाए, लेकिन इससे बढ़कर नाश्ते की टाइमिंग को डिस्टर्ब मत करिए। आपको पता है इन सब चीज़ों का कितना महत्व क्यों है? आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो एक टाइमिंग देता है कि ये आपको सुबह खानी है, खाने के बाद खानी है, और ये रात को खानी है। कुछ तो महत्व है ना इन सब चीज़ों का, इसीलिए टाइमिंग के बारे में इतना ज़्यादा गौर करके डिस्कशन किया जाता है। आप मेडिकल से जब मेडिसिन खरीद के लाते हैं फिर अगेन डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं ये कब कब खानी है। जब दवाइयों के साथ आप इतने रेगुलर हैं तो आप अपनी ये जो डाइट है वो भी तो हमें एनर्जी दे रही है, वो भी तो हमारे को शरीर में एक ऊर्जा का स्रोत है, तो उसमें हम इतनी लापरवाही क्यों बरतते हैं? तो डाइट को आप टाइमिंग फिक्स करिए। डाइट की जब टाइमिंग फिक्स हो जाएगी ना तो आप मान के चलेंगे ये डिलेड पीरियड को दूर करने में एक बहुत सक्षम रोल प्ले करेंगे। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में मैं आपसे अगर ये कहूँगी कि अभी तक आपने अगर एक्सरसाइज के बारे में बहुत इग्नोरेंस रखी है, बहुत मतलब लिथार्जीपन इस बात में रखा है, तो इसको छोड़िए, आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे भी टाइम का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप एक्सरसाइज मॉर्निंग में करते हैं, खाली पेट करते हैं, तो इसका एक अलग ही महत्व है। अगर आप सुबह फ्रेश होकर कोई भी योगा आसन, मेडिटेशन, कोई एक्सरसाइज करते हैं तो इसके अपने अलग मायने हैं और अलग महत्व हैं। एक्सरसाइज की भी टाइमिंग फिक्स करिए। अगर आप मॉर्निंग में करते हैं, खाली पेट करते हैं, तो बहुत 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 अच्छा है। और अगर आप इवनिंग में भी करते हैं तो उसकी भी टाइमिंग फिक्स कर लीजिए। सपोज़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अभी अभी नाश्ता खाया और आप एक्सरसाइज करने लगे, ये बहुत गलत तरीका है, ये बहुत गलत आदतें हैं आजकल मैं देख रही हूँ। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, 1 घंटे बाद जो है खूब हार्डकोर एक्सरसाइज करते हैं। ऐसा नहीं होता है, चीज़ें ठीक ठीक करिए। अगर आप चीज़ों को गलत गलत कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि रिज़ल्ट तो हमें मिल ही नहीं रहे, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, रिज़ल्ट तो हमें मिल ही नहीं रहे, मिलते सिर्फ इसलिए नहीं है कि काम तो आप कर रहे हैं लेकिन काम को सही डायरेक्शन में, सही दिशा में नहीं कर रहे हैं, इसलिए रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं। आप एक्सरसाइज का टाइम फिक्स करिए, आप अपनी डाइट का टाइम फिक्स करिए, आप अपने सोने और उठने का टाइम फिक्स करिए। ये 3 चीज़ों को पहले बदलिए। और लास्ट में जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, चौथे पॉइंट की अगर बात कहूँ, जो कि इन सारे पॉइंट्स की आधारशिला है, आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि यार हम तो खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं, खूब अच्छे इससे खाना भी खा रहे हैं, बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड कर किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे इरेगुलर पीरियड की समस्या हमारे सामने है। तो कारण सिर्फ ये है, कहीं ना कहीं आप अंदर से जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए पॉजिटिव नहीं हैं, सकारात्मक नहीं हैं। आप मेरे विश्वास मानिए, अगर आपने किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को अगर आपके अंदर इंटरनली कोई प्रॉब्लम है और शिद्दत से सारे काम कर रहे हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ ये डेफिनेटली सोच के रखा है कि नहीं मुझे ये प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करना है, तो पूरी कायनात आपको सपोर्ट करेगी अगर आपने अंतर आत्मा से पॉजिटिव वाइब्रेशन दी हैं। आप चीज़ें कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन इंटरनली हमारे अंदर सेल्स को ये चीज़ें नहीं बता रहे हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ ख़त्म करनी है। पॉजिटिव सोचना किसी भी चीज़ के लिए इतना ज़रूरी, इतना महत्व है इन सब चीज़ों का कि मैं अगर ये कहूँ कि चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी काम करने से पहले आप पॉजिटिव रहिए, आप श्योर रहिए कि नहीं मैंने अगर ये सारी काम करने स्टार्ट किए हैं तो मेरे पीरियड रेगुलर डेफिनेटली होंगे क्योंकि मैं बहुत सही डायरेक्शन में अब काम करने लग गई हूँ। बताइए अपने शरीर को, बताइए अपने ब्रेन को, बताइए जिससे कि वो सही सही हार्मोन सिक्रेट करे।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें महत्व रखती हैं, इन सब चीज़ों का अपना एक अलग महत्व है। तो मैंने आज की वीडियो में इररेगुलर पीरियड की बहुत सी चीज़ें बताई हैं आपको। आज तो मैंने लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ें बताई हैं, आगे आगे मैं इररेगुलर पीरियड के बहुत ड्रिंक बताने वाली हूँ, हज़ारों चीज़ें हैं। देखिए, आप एक चीज़ बहुत से लोग कहेंगे कि हज़ारों चीज़ों में से हम कौन सा यूज़ करें। देखिए, मैं हज़ार बार एक ही बात कहती हूँ कि दवा या कोई भी चीज़ वो अच्छी है जो आपके शरीर को सूट कर जाए, जो आपको फ़ायदा पहुँचा जाए, आपके लिए वही रामबाण उपाय है। हज़ारों चीज़ें, आप फंसिए मत किसी में। अगर आपने किसी एक चीज़ को पिक किया है, एक महीने तक करके देखिए और उसके रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, तो आपके लिए तो वो सबसे अच्छी चीज़ हुई ना। तो ये बात अपने दिलों में बैठा लीजिए, क्योंकि हर चीज़, हर एक चीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हर एक व्यक्ति अलग अलग है, हर किसी की सर्कमटेंसेस अलग अलग है, हर किसी का एटमॉस्फेयर अलग अलग है। तो किस चीज़, किस व्यक्ति को कौन सी चीज़ सूट करे, वो टोटली डिफरेंट चीज़ हैं ये। इसलिए मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि जो चीज़ आपको फ़ायदा पहुँच जाए वो आप उसे पिक करिए, हज़ारों चीज़ों के चक्कर में आप मत पड़िए। ठीक है, तो होप ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा आपके लिए। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आते हैं या फिर आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो लाइक प्लीज़ किए बगैर मत जाया कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको टोटल हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। बाल आपके झड़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको जानकारी दी जाती है, स्किन अगर आपकी ख़राब हो रही है तो उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और ऑफकोर्स आपको हेल्दी रेसिपी की इन्फॉर्मेशन भी इसी चैनल पर मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।